तो बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया है, सीधा उसके रुख कर रहे हैं। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सीएम का ट्वीट और कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, ये सीएम ने कहा है। आम लोग बिल्कुल लापरवाही न बरतें, लगातार कोशिश प्रदेश सरकार की ओर से भी की जा रही है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और इसी की तरह ये भी कहा है कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है वो इसी वजह से कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के तेजी से बढ़े मामले। सीएम अशोक गहलोत ने किया ट्वीट, उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को समझना होगा वरना स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो भारत में कई राज्यों ने बड़ा जुर्माना लगाया है, सिंगापुर समेत कई देशों ने बड़ा जुर्माना लगाया है और इसी के साथ वहां जनता के कोविड प्रोटोकॉल को जनता ने फॉलो किया है, वहां हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। मेरे सहयोगी दिनेश ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुटे हुए हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरे देशों की यहाँ पर नजीर पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगर प्रदेश में देखें तो कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन प्रदेश सरकार ने भी किया है कोरोना को लेकर के। अभी ये समझने की जरूरत कि ये मुसीबत अभी टली नहीं है। जी देखिए, कोरोना के चलते आज से राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और रात 10 बजे बाद जो शहर है वहाँ मार्केट बंद हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य कड़ी घोषणा भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गई है। अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि सिंगापुर समेत कई देशों ने कोरोना कंट्रोल के लिए बड़े जुर्माने और कड़ी सजा का प्रावधान किया था, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो किया, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ पर अब कोविड कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में भी कई राज्यों ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर बड़े जुर्माने लगाए, दोबारा लॉकडाउन भी लगाया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए। इसलिए उन्होंने आमजन से अपील की है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करें, उसको फॉलो करें, क्योंकि राजस्थान में कोविड के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और सीएम गहलोत ने कहा, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं आमजन बरते, अगर आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो फिर सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये चेतावनी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दी गई है, क्योंकि राजस्थान में 24 घंटे में कल ही 476 पॉजिटिव केसेज पाए गए और आज से 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और 10 बजे बाद तमाम बड़े शहरों में जो मार्केट है वो बंद हो जाएगा। लेकिन आगे अगर केस बढ़े तो कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिस तरह के उन्होंने इस ट्वीट के जरिए संकेत दिए। ठीक है दिनेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो आगे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं और अभी भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।